ओके, इस लास्ट यूनिट के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जा रहा होता है। सो उसके लिए लेट्स स्टार्ट के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो एक्टिविटी शीट्स दी गई हैं उसमें ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं वी हैव रॉ मटेरियल, गुड्स इन प्रोसेस और वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स, सेल्स, परचेज, परचेज डिस्काउंट। हमने पिछले भी यूनिट के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर प्रिपेयर करना सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के साथ अगर इनकम स्टेटमेंट भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो कैसे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले रिक्वायर्ड क्या, रिक्वायर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। सो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। यस, रिक्वायर्ड वन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि इसके लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड मालूम होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल यूज्ड इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आपके पास डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो रॉ मटेरियल यूज़ के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ओपनिंग गिवन है, एंडिंग गिवन है, परचेज मौजूद है और परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न भी मौजूद है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था रॉ मटेरियल ओपनिंग, इसमें हम प्लस कर देंगे रॉ मटेरियल परचेजेस। सही, सो रॉ मटेरियल ओपनिंग आपके पास कितना है, 16,000। तो ये मैंने 16,000 यहाँ पे लिख दिया। रॉ मटेरियल परचेजेस आपके पास कितना है, 1,10,000। तो ये 1,10,000 में यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर परचेज डिस्काउंट मौजूद है। अगर परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न या ट्रांसपोर्टेशन इन होगा तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम वो डायरेक्ट कर देंगे। परचेज डिस्काउंट इज ऑफ 2000, ये 2000 हमने यहाँ पे कर दिया। तो 108,000 ये आपका क्या है, नेट रॉ मटेरियल परचेज। तो पहले से 16,000 का मौजूद था, आपने 108,000 का बाय किया है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं 1,24,000। ये 1,24,000 क्या कहलाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, रॉ मटेरियल एंडिंग। सो रॉ मटेरियल एंडिंग की फिगर इस 18,000, ये 18,000 हम माइनस कर देते हैं, तो 106,000 इज नॉट रॉ मटेरियल यूज़। लेकिन क्या रिक्वायर्ड में आपसे रॉ मटेरियल यूज़ पूछा है, नहीं। तो रॉ मटेरियल यूज़ के बजाय क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के लिए आपको स्ट्रक्चर पहले से ही मालूम है, रॉ मटेरियल यूज़ वाली बात में हम डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं। यहाँ पे पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चन में सिंपल था तो हमने एज इट इज़ रखा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेपरेट बना के दिखा रहे हैं। तो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले मटेरियल यूज्ड जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज़ 106,000, इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर विच इज़ हाउ मच, यस 90,000, ये 90,000 आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड विच इज़ 98,000। देन तो आपके पास फिगर आती आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, लेट्स यूज कैलकुलेटर फॉर दिस, हमारे पास मौजूद है। ओके, पहले इस पर आ जाते हैं, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। ओके, सो पावर पॉइंट शो पर, ओके, और हमें ये चाहिए। सो 106,000 में प्लस करते हैं 90,000 में प्लस कर देंगे 98,000, तो 294, डेट मीन्स हमें यहाँ पर 2,94,000। क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, ना, ये प्रोडक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। इसको कुछ लोग टोटल कॉस्ट भी कहते हैं बट ये एम्बिगस है, इसको अवॉइड करेंगे हम।
ओके, इसमें क्या हमने जितना कितनी कॉस्ट इनकर्ड की फैक्ट्री के अंदर, क्या वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर? नहीं, हमें उसमें इनकम्प्लीट गुड्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की फिगर आपके पास गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग है 24,000, तो ये 24,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसमें लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग विच इज़ 22,000, तो ये 22,000 हमने माइनस कर दिया। सो कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, 2,000 प्लस ही होगा आई थिंक, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ गया है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ गया द अमाउंट ऑफ हाउ मच, 2,96,000, इस सेट को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। लेकिन अगेन हमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नहीं निकालना, इसके साथ साथ हमें इनकम स्टेटमेंट भी निकालना है। तो इनकम स्टेटमेंट के फिगर की तरफ जाते हैं, यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड बी विच इज़ इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल्स विच इज़ 4,80,000। तो 4,80,000 आपके पास सेल्स आ गई। इसमें हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली नहीं गिवन, तो हमने लास्ट यूनिट में कैलकुलेट करना सीखा था फिनिश गुड्स ओपनिंग विच इज़ 12,000। तो ये 12,000 यहाँ पर आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विच वाज कैलकुलेटेड 2,96,000। तो ये 3,08,000 इज़ व्हाट अवेलेबल फॉर सेल, यानी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, फिनिश्ड गुड्स एंडिंग विच इज़ ओके, कितना था फिनिश गुड्स एंडिंग, 26,000। तो ये 26,000 यहाँ पर आगे आएगा, ओके, तो ये 26,000 ये लेस करते हैं, तो हमारे पास कुछ 2 लैख, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें ताकि गलती ना हो, क्या करना है, 3,08,000 में से माइनस करना है 26,000, 2,80,000। तो 2,82,000 इज़ वॉट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ 1,98,000। और इसमें से हमें एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑफ आई थिंक वो 70,000 के हैं। सो 70,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो 1,28,000 इज़ वॉट योर नेट प्रॉफिट। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वी वर रिव्यूइंग वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन प्री रिक्वेस्ट कोर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, के बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में किस तरीके से बनाते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।